डॉक्टर साहब, सोम कैसा है? शांत हो जाइए आप सब। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था, उनका बहुत ज्यादा खून बह गया है। हमें पहले उन्हें खून चढ़ाना होगा, क्योंकि उनकी बॉडी बिल्कुल स्टेबल नहीं है। जब उनको हम खून चढ़ा लेंगे तभी उनको ऑपरेट कर सकते हैं। तो जो आपको सही लगता है वो कीजिए ना, लेकिन बस सोम को बचा लीजिए, और कुछ प्लीज। मैडम जी, हमारी पूरी कोशिश जारी है, लेकिन उनका जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी पॉजिटिव है, और हमारे स्टॉक में वो ब्लड ग्रुप है ही नहीं। इसीलिए जरूरी है कि पहले हम उनको खून चढ़ाएं, फिर हम उन्हें ऑपरेट कर सकते हैं। वैसे जनरली माँ बाप का जो ब्लड ग्रुप होता है वो बेटे के ब्लड ग्रुप से मैच कर जाता है। डॉक्टर साहब, हम उसके बाप है और ये जूली उसकी माँ, लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं हमारा ब्लड ग्रुप है ओ नेगेटिव और इसका है बी पॉजिटिव। लेकिन डॉक्टर साहब कुछ भी कीजिए, डॉक्टर साहब मेरा ही पॉजिटिव है, आपको ए भी पॉजिटिव चाहिए ना? जी तेजू, मैं तुझसे एक चीज कहना चाहती हूँ। चाहे तुम माने या न माने, वो तेरा भाई है, वो हमेशा तेरा भाई रहेगा। मुझे पता है उसे गलती हुई है तेजू, लेकिन वो कोई गलत नहीं है। वो गुंडा बना, लेकिन उसमें उसकी कोई गलती नहीं, उसके परवरिश और कुछ नहीं। प्लीज उसे खून दे दे, प्लीज दे। जो मैंने खाना, मैं उसे खून नहीं दूंगी। चुप कर दे, मैं तुझे मानना नहीं चाहती थी तेजू, प्लीज मुझे समझ तेजू, तुझे सोम को खून देना होगा। ऐसा नहीं करेगी ना तेजू तो मैं तो रिश्ते खो दूंगी। एक तरफ तेरे बाबा जिन्होंने सोम पर गोली चलाई और वो जेल में चले गए, और दूसरी तरफ मेरा बेटा। मैं अपना पति और बेटा दोनों को खो दूंगी। मैंने अपने बेटे का 18 साल तक इंतजार किया थे, जो आज वो मेरे साथ है, तो मैं उसे खोना नहीं चाहती तेजू, मैं उसे खोना नहीं चाहती। तू किसी के बारे में मत सोच, तू सिर्फ मेरे बारे में सोच, और मेरे बारे में भी नहीं, अपने बाबा के लिए। अपने बाबा के लिए तो इतना कर सकती है ना तेजू, तू मेरी बेटी है ना, इतना करेगी ना मेरे लिए? मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ तेजू, मेरे पति को और मेरे बच्चे को बचा ले, प्लीज प्लीज तेजू, प्लीज प्लीज। मैं उसे खून दूंगी। लेकिन आप ये मत सोचेगा कि मुझे उससे कोई हमदर्दी है, मैं सिर्फ अपने बाबा के लिए उसे खून दे रही हूँ। जाइए डॉक्टर साहब, इसे ले जाइए, जा तेजू। आइए आइए, आप जल्दी अंदर आइए। वो एक गुंडा है, ये मत सोचिएगा कि मैं उसे कभी अपना भाई बोलूंगी। He's a criminal. गुंडा है वो। I hate him. सर, ये है मानो देशमुख, इसने अपने बेटे का खून किया और फिर यहाँ आकर ये सिलेंडर कर गया। हमको मालूम है यादव, लेकिन इनका बेटा अभी मरा नहीं है। क्या मेरा बेटा जिंदा है? दुबे, जरा उनको बाहर निकालो। बेटा बताइए ना, मेरा बेटा जिंदा है? हाँ, आपका बेटा जिंदा है, लेकिन कंडीशन काफी क्रिटिकल है, डॉक्टर कुछ भी कहने से मना कर रहा है। इंस्पेक्टर, मुझे नहीं पता था वो मेरा बेटा है, मैंने तो अर्चना को बचाने के लिए गोली चलाई थी, मेरी कोई गलती नहीं है। जानते हैं देशमुख साहब, बात दरअसल ये हुई कि जब आप और तेजू वर्षा को ढूंढने के लिए निकले थे, उस समय हम चंपा से पूछताछ की, चंपा से हमको मालूम चला कि सोहम ही विष्णु है, लेकिन ये बात हम आपको बताने ही वाले थे, ये घटना घट गई और आप विष्णु के पीछे निकल गए और वहां जाकर गोली मार दी। हम जानते हैं कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपने जो कुछ भी किया है
अपनी बीवी को बचाने के लिए किया है। मैं अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ इंस्पेक्टर साहब। वैसे भी मैंने तो सरेंडर भी कर लिया। देखिए मैं आपको आपके बेटे के पास लेकर चलता हूँ। यादव एक काम करो, पेपर तैयारी कर लो, ठीक है? इनको मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। आइए। तो ठीक तो है रतिजू, आओ इधर बैठ। डॉक्टर शोर कैसा है? देखिए आप चिंता मत कीजिए, हमने ऑपरेशन शुरू कर दिया है, लेकिन गोली जो है वो दिल के बहुत पास लगी है, इसलिए ऑपरेशन थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया है। बच नहीं, नहीं डॉक्टर साहब, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरे सोहम को बचा लीजिए प्लीज। हाँ डॉक्टर प्लीज कुछ भी कीजिए। सी वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। एक्चुअली हमने पटना के दो स्पेशलिस्ट सर्जन से भी बात की है, हम उनके कॉन्टेक्ट में भी है, और उनमें से जो भी अवेलेबल होगा हम उन्हें यहाँ पे बुला लेंगे। एक्सक्यूज मी। पूर्वी तुमने ही सही नहीं किया, मुझे वादा किया था तुमने कि मेरा साथ दोगी, मुझे तू नहीं जाओगी, लेकिन तुमने अपना वो वादा नहीं निभाया। मगर मैं ऐसा नहीं करूंगी। I promise you, Poofy. I will never stop loving. और तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए ओवी को खुश रखूंगा। Only for you. अर्जुन या एक्चुअली मुझे कुछ बात करनी थी तुमसे। या गो अहेड टेल मी। अर्जुन ऑफिस के सारे इम्पोर्टेंट डिसीजंस तुम ही लेते हो, तो कुछ पूछना था। मतलब पूछने की क्या जरूरत है? आई मीन आई नो कि अपने ऑफिस के सारे डिसीजंस मैं लेता हूँ, लेकिन इस ऑफिस का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा तुम भी हो। क्यों मानव सर स्टार्टर, तो अगर तुम्हें लगता है कि तुमने कोई डिसीजन लेना है तो प्लीज गो है। मैं फिर भी तुमसे पूछना जरूरी समझती हूँ। ओके। मैं सोच रही थी कि हम पूर्णिमा को वापस जॉब में रख ले। ओ वी नो एक्चुअली देखो मैं देखो मां मुझे उस लड़की पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, और तुम जानती हो इसके पहले उसने अर्जुन वो मेरी कजन है, और वो इतने टाइम से जॉबलेस है, और एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की के लिए ये बहुत मुश्किल होता है। आई अंडरस्टैंड, लेकिन तुम्हें पता है जो पूल एक्चुअली देखो मैं अपना कोई भी डिसीजन तुम पे थोपना नहीं चाहता सिंसियरली, और आई बिलीव कि अगर तुमने कोई डिसीजन लिया है तो सोच समझ के लिया हो। तुम चाहती हो कि पूर्णिमा को वापस जॉब पे रख लेना चाहिए, देन गो अहेड। थैंक यू, इट्स ओके। पूर्णिमा की हेल्प करना तो सिर्फ एक बहाना है अर्जुन। मैंने ये डिसीजन हमारे लिए लिया है। मैं पूर्वी को हम दोनों से दूर कर दूंगी, और इसमें इसमें पूर्णिमा मेरी मदद करेगी। अर्जुन ट्रस्ट मी, आज नहीं तो कल हम दोनों फिर से एक हो जाएंगे। हमारे बीच वही अटैचमेंट हो जाएगी जो कनाडा में होती थी। We will have a happy married life. साला मानो देशमुख, बचना नहीं चाहिए वो। तो हमारे लाला पे गोली चला, वो की वजह से लाला की हालत है। ढूंढा होगा जहां भी, टुकड़ा टुकड़ा करके फेंक दो। इस शहर से बचकर जाना नहीं चाहिए वो। अरे हरामखोर, तूने हमारे लाला पे गोली चलाया, आज नहीं छोड़ा तो कम चिल्ला कर देंगे। हिम्मत
I'm sorry, Archana. मुझे माफ कर दो अर्चना, मैंने जो किया तुम्हें बचाने के लिए किया। मुझे नहीं पता था कि मैं हमारे बेटे पर गोली चला रहा। तुम्हें खोने का डर मेरे दिलो दिमाग को इस तरह से छा गया था कि मुझे कुछ और नजर नहीं आया। उस वक्त अगर तुम्हारी आंखों में ममता को देख लेता तो शायद मैं कभी ऐसा नहीं करता अर्चना, कभी नहीं करता। कितना बदनसीब बाबू मैं, जिस बेटे को पाने के लिए 18 साल से मैं अपने सपने सजाता रहा, उसके सपने देखता रहा, उसे मैंने अपना हाथ उस दिन मैंने सोचा था सोम मिल जाएगा, हमारा परिवार पूरा हो जाएगा, लेकिन मैंने हमारे परिवार में मेरी वजह से हमने हमारे सोम को पाने से पहले ही खो दिया। मुझे माफ कर दो अर्चना, मुझे माफ कर दो। माना, मैं जानती हूँ इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अब अपने आप को दोषी मत मानिए और अब शांत हो जाइए, आप बैठिए। मानव, यही तरफ देखिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मानव, गलती मेरी है जब मैं किसी को बिना बताए, मानव जब मुझे पता चला ना कि विष्णु हमारा सोम है, तो मेरी कुछ समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। मैं जज्बातों में इतनी खो गई थी कि मैंने किसी को नहीं बताया। मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं अच्छा, अब कहता है हमारा सोम, मानव सोम की हालत खराब, बहुत खून बाहर, लेकिन आप चिंता मत कीजिए मानव, उसे उसे खून मिल गया। आपको पता उसे खून किसने दिया? हमारी तेजू ने। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं आपसे कह रही हूं। अगर पप्पा ने हमें हमारा सोम दिया तो पप्पा ही हमें हमारे बेटे का सुख भी देंगे। देखिएगा कैसे हो, उनकी जान को अभी भी खतरा है। नहीं डॉक्टर, ऐसा मत कहिए। देखिए डॉक्टर, दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर्स को बुलवाइए, अच्छे से अच्छा महंगा सा महंगा ट्रीटमेंट कीजिए, जितने पैसे लगेंगे लगाइए, मैं दूंगा, लेकिन प्लीज किसी भी तरह मेरे सोम को बचा लीजिए, प्लीज डॉक्टर। हैव पेशेंस मिस्टर मानव, ये केस बहुत ट्रिकी है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बाकी भगवान की मर्जी।
मिस्टर मानव, हमने गोली निकाल दी है लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। हम उन्हें अपने ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। आंखें खोल, देख अपनी माई की तरफ। विष्णु एक बार आंखें खोल, देख देख, मैं तुझे कभी कुछ भी करने के लिए नहीं रोकूंगी। कभी नहीं कहूंगी ये मत कर, तुझे जो चाहिए वो कर, मैं कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन एक बार आगे को अपनी माई को देख विष्णु, गले लगा ले एक बार। विष्णु 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 आगे खोलना, एक बार आगे खोल विष्णु। चुमरी देख, चिंता मत कर, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा हमारा लाला। काहे कि सिर्फ हम दोनों का नहीं, ये पूरे दरभंगा का आशीर्वाद है उसके साथ। कुछ नहीं होगा उसको, भूल गई तो हमारा बेटा बाहुबली बन गया है ना। बाहुबली गुंडा बना दिया तुमने, ये माँ का फर्ज होता है। वर्षा, माँ अपने बच्चों को क्या सिखाती? उन्हें अच्छे संस्कार देती, अच्छी परवरिश देती, लेकिन तूने मेरे बेटे को इस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया। तूने अच्छा नहीं किया। तूने क्या सिखाया सोहम को? किडनैपिंग करना, चोरी करना, ये एक माँ का फर्ज होता है। तू मुझे कहती है ना मैं माँ बनने के लायक नहीं हूँ, तो तूने कौन सा अपना फर्ज पूरा किया? तुझे लगता है तूने अपना फर्ज निभाया? नहीं वर्षा, आज सोहम की जो भी हालत है वो सिर्फ तेरी वजह से। उन्हें मेरे सोहम को मुझसे छीन लिया, आज सिर्फ तेरी वजह से वो गुंडा बन चुका है। तुझे पता है उसके मन में एक खौफ सा बैठ गया है कि पुलिस कभी भी आएगी और उसे अपने साथ लेकर चली जाएगी। इसलिए जब मैं उसके पास गई ना, तो उसने पुलिस को मेरे साथ देखा। उसे लगा कि पुलिस उसे ले जाएगी। उसकी आंखों में मेरा प्यार नहीं दिखा। बेटा कौन है बेटा? कह रही डर दिखा कि पुलिस उसे कभी भी लेकर जा सकती है, और ये सिर्फ तेरी वजह से। तूने मेरे बेटे को इस इंसान के साथ रखा जो खुद एक गुंडा है, ये तो खुद गुंडा और मेरे बच्चे को भी गुंडा बना दिया। तूने सोम की जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरे बेटे की जिंदगी नर्क बना दी। चुप, बकवास बंद कर। सोम हमारा बेटा है। का शिक्षा देनी है और कैसे परवरिश करनी है, इसका अधिकार हमका है, सिर्फ हमका। तू कौन होती है रे हमको सीख देने वाली? एक बार हमारे लाला को होश में आया जाए तो उसके बाद हम तुम सबका देख लेंगे। क्या बोल रहे थे? शरीफ हूं, कमजोर नहीं। अगर मेरी बीवी या मेरे बेटे की तरफ एक कदम भी बढ़ाया ना तो कब बार बार बेटा बेटा बोल रहा है बे? अगर वो तेरा बेटा होता तो उसके सीने पे गोली चलाता तू? लाला हमारा बेटा है, हमारा। अगर तुम्हें हिम्मत है ना तो छीन के दिखाऊंगा। बात देख का असर करते हैं हम तुम लोगों का, देखो उसके बाद। पेशेंट की माँ कौन है?